नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल मणिपुर की 30 साल से चली आ रही तकदीर पर है। आज से 30 साल पहले भी मणिपुर ने झेला था, आज फिर मणिपुर ने वही झेला है। आज की खबर यह है कि मणिपुर पर संसद में विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी रहा। विपक्षी दलों के सांसद सदन से वॉकआउट भी कर गए। उधर लोकसभा में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तक चर्चा की तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन विपक्षी दलों के नए गठबंधन के सांसद अब मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर ही हिंसा कराने का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया गया है कि 3 मई को हिंसा की शुरुआत से लेकर अब तक हर पल सरकार की चौकस नजर मणिपुर पर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर में 3 दिन रहकर आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 21 दिन तक मणिपुर में रहकर हालात संभाल चुके हैं। 16 जुलाई के बाद राज्य में कोई मौत भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है कि जिस कांग्रेस के राज के मणिपुर में 1993 में मार्च से लेकर दिसंबर तक हिंसा होती रही और सरकार खामोश बैठी रही, उस कांग्रेस की ओर से आज मणिपुर पर चिंता जाहिर करना सिर्फ सियासत है। हालांकि तब करीब 9 महीने बाद मणिपुर में सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, लेकिन मणिपुर में इस साल भर के हिंसा, उसके दशकों पुराने कारण और अब मौजूदा हालात को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या मणिपुर में हालात संभालने में केंद्र सरकार कामयाब हुई है? क्या मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की जिद केवल सियासत के लिए की जा रही है? क्या विपक्ष को भरोसे में लिए बगैर मणिपुर का समाधान निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मणिपुर के मुद्दे पर 3 जगह हलचल जारी है। मणिपुर में तनाव है, लोगों में डर है, सिक्योरिटी अलर्ट पर है, शांति के समाधान का इंतजार है। संसद में मणिपुर पर कोहराम है, विपक्ष को बस पीएम के बयान का इंतजार है। अदालत में महिला सुरक्षा पर फिक्रमंद सरकार है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में रोज की तरह फिर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री से बयान की मांग की गई, वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया और लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि विधेयक लाए जा रहे हैं उन्हें पारित किए जा रहे हैं, विधेयक लाए जा रहे हैं उन्हें पारित किए जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय नहीं होने की सूरत में विपक्षी दलों के नेता मणिपुर जाने के लिए तैयार। खबर है कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश और गौरव गोगोई, टीएमसी से सुष्मिता देव, आप से सुशील गुप्ता, डीएमके से कनिमोई, आरजेडी से मनोज झा, एनसीपी से फैजल खान, जेडीयू से ललन सिंह, अनिल हेगड़े, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेएमएम से महुआ मांझी, सीपीआई से पी संतोष कुमार, सीपीएम से एलमाराम करी जैसे सांसद और नेताओं की टीम मणिपुर के दौरे पर भेजने के लिए तैयार है। भारत में कहीं भी जाने पर तो कोई बंदी नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन जाके आप रायता फैलाएंगे तो भी तो परेशानी की बात है ना। मणिपुर में 3 मई को प्रदर्शन और 4 मई से भड़की हिंसा के बाद अब तक हालात से निपटने की कोशिशों के बारे में सरकार ने जानकारी दी। कहा है कि 3 मई से हालात बिगड़े, 5 मई तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो गई थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 124, असम राइफल्स की 184 कंपनियां तैनात हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी शुरू की जा चुकी थी। प्रशासनिक तैनाती के तौर पर 4 मई को ही रिटायर्ड आईपीएस कुलदीप सिंह को सुरक्षा सलाहकार और 7 मई को आईएएस विनीत जोशी को मुख्य सचिव तैनात कर दिया गया। प्रदेश में आवश्यक चीजों की सप्लाई सुनिश्चित की गई। 29 मई को केंद्रीय गृह मंत्री राज्य के दौरे पर गए। गृह मंत्री ने हर पक्ष वर्ग और समुदाय के साथ 15 बैठक की। इंटर एजेंसी एकीकृत कमांड शुरू कराया। न्यायिक जांच आयोग के अलावा सीबीआई से 6 मुकदमों की जांच शुरू कराई। पीड़ितों की राहत के लिए अतिरिक्त डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई। स्कूल अदालत में ऑनलाइन सेवा की व्यवस्था की गई। चूड़ाचांदपुर, कांग, पोकपी, मोरेह जैसे इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। इतना ही नहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक मणिपुर में रहे। इस दौरान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 150 लोगों की जान गई, जिसमें 3 से 5 मई के बीच 59 लोग, 27 से 29 मई के बीच 28 लोगों की मृत्यु हुई, 13 जून को 9 लोगों की हत्या हुई। 16 जुलाई के बाद मणिपुर हिंसा में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हालांकि अब तक 502 लोगों के जख्मी होने, 5101 जगह आगजनी की घटना दर्ज हुई।
पुलिस ने कुल 6,065 मुकदमे दर्ज किए, 252 गिरफ्तारियां की और 12,740 लोगों को निगरानी में रखा है। अब बीजेपी सवाल उठा रही कि जिस कांग्रेस सरकार के जमाने में मणिपुर करीब साल भर तक हिंसा की आग में जलता रहा और देश के गृह मंत्री मणिपुर तक नहीं गए, देश को पता तक नहीं चल पाया कि तब कांग्रेस के राज में मणिपुर में क्या हुआ था, वो कांग्रेस आज मणिपुर पर सियासत कर रही है। मणिपुर में दो महिलाओं से अत्याचार के वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने गुरुवार को ही बताया। महिलाओं से अत्याचार के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। घटना का वीडियो बनाने वाले फोन का पता लगाया जा चुका है। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पीड़ितों की सहायता के लिए लगाई गई है। सरकार ने इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर 6 महीने में पूरी कराने की अपील भी की है, लेकिन विपक्षी दलों को मणिपुर के हालात, उसके बाद उठाए गए कदमों और समस्या के निराकरण की बजाय सिर्फ प्रधानमंत्री का सदन में बयान चाहिए। आज तक ब्यूरो। तूतू मैमे के इस पॉलिटिक्स में न सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पा रही है, वहीं 1993 बनाम 2023 की अलग राजनीतिक लड़ाई मणिपुर के मुद्दे पर अब शुरू हो चुकी है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। महुआ मांझी जी, आप एमपी हैं राज्यसभा की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और जो डेलीगेट जाने वाले हैं मणिपुर उनमें आपका भी नाम शामिल है। मणिपुर के दौरे पर कल आप जाने वाली हैं। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। माधव आनंद जी हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं RLJD के। और साथ ही कीर्ति आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले एक बड़े खबर आ रही है सीधे, उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, विपक्ष की ओर से सरकार को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, जिसको स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, खबर यह है कि 7 या 8 अगस्त को इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, 7 या 8 अगस्त को हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख सोमवार को तय कर दी जाएगी। आपको बता दें, 10 दिन का वक्त होता है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद स्पीकर को तमाम दलों को इस बारे में मुलाकात करके फैसला करना होता है। आपको ये भी बताते चले कि मौजूदा जो सत्र है वो 11 अगस्त तक ही है, ऐसे में 7 तारीख को चर्चा की शुरुआत होगी या फिर 8 तारीख को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो मणिपुर पर अब चर्चा है और चिंता भी है, इस समस्या का समाधान भी जरूरी है, लेकिन ऐसे ही हालात 30 साल पहले भी मणिपुर में हुए थे। तब वहां क्या हुआ था और आज वहां पर क्या हो रहा है, दंगल में बहस में आगे से बढ़ने उसके पहले एक बार दोनों ही वक्त के हालातों के बारे में आपको रूबरू करवा देते हैं। सरकार का दावा है कि हिंसा भड़कने के पहले हफ्ते में ही मणिपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई, लेकिन यहां पर आपको दिखा रहे हैं 1993 में 26 मार्च से हिंसा की शुरुआत हुई थी। 3 महीने के बाद गृह राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। 3 महीने के बाद गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट वहां पर पहुंचे थे, गृह मंत्री नहीं गए थे। 9 महीने तक वहां हिंसा नहीं थम पाई थी। 750 से ज्यादा लोगों की जान उस वक्त गई थी। सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि संसद में कोई चर्चा नहीं हुई थी, सरकार की ओर से सिर्फ सदन के भीतर इस बारे में जानकारी शेयर कर दी गई थी और प्रधानमंत्री का भी कोई बयान सामने नहीं आया था। स्थायी समाधान का प्रयास भी नहीं किया गया था। विपक्षी दलों को भरोसे में लेने की कोई कोशिश तब की नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार की ओर से नहीं किया गया था। वहीं दूसरी तरफ 2023 के बारे में लगातार बीते एक हफ्ते से हम आपको जानकारी दे रहे हैं और वो जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। गृहमंत्री वहां पर जा चुके हैं और लगातार कोशिशें की जा रही है। 35,000 अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इन सबके बीच कल विपक्षी दल पहुंचेंगे मणिपुर और वहां पर इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए, वहां पर हालात क्या हैं, इसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब 1993 को 30 साल हो चुके हैं, हम 2023 में बैठे हुए हैं, सरकार आपकी दिल्ली में भी है, मणिपुर में भी है। तब की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अभी मणिपुर की आपकी सरकार, मुख्यमंत्री वहां पर बने हुए हैं, दोनों की कैसे तुलना हो सकती है? और कल ये लोग पहुंचने वाले हैं मणिपुर, उस पर भी आपकी टिप्पणी। तब की सरकार को बर्खास्त किया गया था 9 महीने बाद। तब की सरकार में गृह राज्य मंत्री गए हिंसा शुरू होने के 3 महीने बाद। तब के 1993 में 750 लोग मारे गए। इसीलिए हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जो आज मणिपुर पे अपनी चिंता जता रहे हैं, मणिपुर पे सियासत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, अपनी सियासत चमका रहे हैं, उनको मणिपुर से मतलब नहीं है। देखिए चित्रा जी, एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, OCN कहते हैं उसको। उसमें एक आदमी बार बार एक ही काम करता है। हमारे विपक्ष को आजकल यह बीमारी लग गई है, उनको हर चीज में प्रधानमंत्री दिखता है।
ये हो गया तो प्रधानमंत्री, सूर्य उगने में देर हो गया तो प्रधानमंत्री, रात शाम होने में देर हो गई तो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। नहीं, एक मिनट, इनको ये भी अकल नहीं है, 267 में चर्चा कर रहे हैं तो 267 का कम से कम रूल तो पढ़ लेते हैं। 267 का रूल कहता है कि जब चर्चा खत्म होगी तो जवाब उस मंत्रालय का संबंध मिनिस्टर ही देगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा, रूल साफ साफ कहता है। फिर प्रधानमंत्री कहां से आ गए? कंफ्यूज विपक्ष है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ना कि दिशाहीन है, एक उत्तर जाता है तो दूसरा दक्षिण जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, कांग्रेस ने जमा किया, टीएमसी का अगले दिन शिकायत आ गई कि भाई कांग्रेस अपना अहंकार नहीं दिखाए, सबको साथ में चलना चाहिए था। आप ये बताइए, हीलिंग टच आज देना चाहिए, मेरा बिल्कुल मानना है, संसद से एक साथ संदेश निकलना चाहिए था कि हम मणिपुर की जनता के साथ खड़े हैं, चाहे वो कुकी हो, मैथी हो, ये विपक्ष नहीं निकाल रहा, हम तो निकाल ही रहे। विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है, एकदम जिम्मेदार है। आप ये बताइए कि 4 मई को हिंसा शुरू हुई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद, 6 मई को गृह मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, 3 दिन रहते हैं, 22 दिन हमारे गृह राज्य मंत्री रहते हैं, स्पेशल एडवाइजर्स नियुक्त किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के, जो डायरेक्टली पीएमओ में रिपोर्ट कर रहे हैं और गृह मंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, हिंसा को हम कंट्रोल में ला रहे हैं, दोनों समुदाय के लोगों से बात करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं, कोई चीज हम नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, ये कोई एक दिन की समस्या तो है नहीं, ये रेशियल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है पिछले 70-80-100 साल के लगभग से, इसके बहुत सारे कारण हैं, और इतिहास में जाके इन सब कारणों का निवारण अगर आज वर्तमान में नहीं करेंगे तो भविष्य कभी भी सुखदमय नहीं होगा। हम इस प्रॉब्लम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे राहुल गांधी की तरह कि गए वहां पे हीलिंग टच देने के लिए और सिर्फ कुकी के कैंप्स में जाके घूम के आ गए। मैथ्यू से क्यों नहीं मिले भाई? क्या मैसेज दिया आपने कांग्रेस पार्टी ने कि उनका दिल सिर्फ कुकी के लिए धड़कता है? हमारा दिल, प्रधानमंत्री का दिल पूरे मणिपुर के लिए धड़कता है, चाहे वो कुकी हो, मैथी हो, नागा हो। ठीक है, राधिका जी इसका जवाब देंगे, लेकिन महुआ माझी जी, आप जाने वाली हैं कल मणिपुर, क्या है तैयारी विपक्षी दलों की, क्या है मकसद, क्या आपको लगता है कि विपक्षी इंडिया वहां पर पहुंच जाएगा तो मणिपुर की समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि 3 दिन वहां रहने के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सब कुछ शांति है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी इतनी सारी घटनाएं हो गई, इसलिए चाहती है टीम इंडिया कि वहां जाकर अपनी आंखों से देखे और जहां जहां जो जो प्रॉब्लम है उन लोगों से सुना जाए, उनकी समस्या को जाना जाए, दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद ही कोई समाधान निकल सकता है। कुकी जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दल सिर्फ कुकी से मिलकर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, इस बार दोनों पक्ष से मिला जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप 1993 की बात बार बार कर रहे हैं, इतिहास में अगर कोई गलती हुई उसे हम दोहराए ये तो जरूरी नहीं। उस समय ना इंटरनेट था, ना तरह तरह की सुविधाएं थी, आजकल चूंकि तमाम सुविधाएं हैं इसलिए अभी हम लोग बहुत आसानी से हर जगह को कंट्रोल में ला सकते हैं, हर हिंसा को कंट्रोल में ला सकते हैं। एक गांव में आप सोच सकते हैं कि 800,000 लोग अगर हमला करते हैं तो उस गांव में वहां की महिलाओं का, बच्चों का और लोगों का क्या हाल हुआ होगा उस समय। एक सूबेदार जो कि कारगिल युद्ध में जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनका एक बयान आया कि हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, देश की रक्षा किए, पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर हिंसा, ये बात आपकी सही है कि उस समय इंटरनेट नहीं था और आज की तारीख में चीजें ज्यादा आसानी से हो गई हैं, लेकिन सदन में बयान देने के लिए, विस्तृत चर्चा कराने के लिए तो इंटरनेट की जरूरत नहीं थी। उस समय भी सरकार की ओर से सिर्फ जानकारी ही दी गई थी मणिपुर को लेकर, कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। तो आज विपक्षी दलों की ओर से ये पीएम के बयान की मांग करना, विस्तृत चर्चा कराइए, इस नियम के तहत आप कराइए, तब हम देखेंगे कि क्या करेंगे। देखिए, ये इज्जत नहीं है विपक्षी दलों की। बहुत गंभीर मामला है, हमारे पीएम विदेश में जाके वहां बयान दे रहे हैं, मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, और यहाँ पर भी वो दूसरे राज्यों का भी भ्रमण कर रहे हैं। अगर कुछ समय के लिए वो आ जाए सदन में आकर अपनी बात रखे, इसमें क्या दिक्कत है? अजय आलू वो मुखिया है देश के। हाँ। अगर किसी राज्य में कोई घटना होती है तो लोकल थानेदार को लोग नहीं पूछते, वहां के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि आपके राज्य में घटना क्यों हुई। उसी तरह से अगर देश में इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से लोग पूछेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आकर अपनी बात रखें ताकि बाकी लोग भी अपनी राय मशवरा करें और कोई समाधान निकाले। अजय आलोक जी, चित्रा जी, सदन शुरू होने के पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में साफ हो गया था कि हम मणिपुर पे चर्चा करेंगे। जब साफ हो गया चर्चा करेंगे, 2.5 घंटे की चर्चा करेंगे, तब इन लोगों ने डिमांड दिया कि नहीं 276 में करेंगे। ठीक है, 276 अगर हम माने तो 276 में आप प्रधानमंत्री का बयान कैसे मांग रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने तो सदन शुरू होने के पहले बयान दे दिया था कि मणिपुर के लेके उनका मन दुखी है और ये दृश्यंश घटना है,
किसी को नहीं माफ किया जाएगा। आप चाहते ही नहीं है सदन चलने प्रधानमंत्री के जवाब देने की बात कहां से आ गई फिर? आप रूल को रूल के हिसाब से चलिएगा ना, सदन आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा, कांग्रेस पार्टी की मर्जी से सदन नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं होता है ना, जो नियम बनाया हुआ उसी नियम से चलेंगे ना। आपने देखा ये विशेषाधिकार भी आप स्पीकर से या उपराष्ट्रपति जी से छीन लेना चाहते हैं कि किस तरह से सदन एक, में एक बच्चे की जिद जब एलओपी चांद ला के नहीं दिया जाता, चुप करा दिया जा रहा था, उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा था। अगर बच्चा जिद करे कि चांद तोड़ के ला के दो तो आप दे देंगे क्या? सदन के नाबालिग बच्चे की जिद पे चलेगा, नियम कानून से ही चलेगा। और विपक्ष इतना ऑब्सेस्ड हो गया है प्रधानमंत्री से कि सुबह से लेकर रात तक सोने तक में मुझे लगता है 1,00,000 बार प्रधानमंत्री का नाम जरूर जपते होंगे। जब भी उससे थोड़ी उम्र बढ़ जाए का नाम जप रहे उसे, उसी तरह से कौन टीम इंडिया एनडीआईए मंगवा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो हिंदू हैं, आपके INDIA के एक सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग ने परसों रैली निकाली केरल में और खुलेआम बोला कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने मंदिर के सामने फांसी देंगे, हिंदुओं को मंदिर के सामने काट के फेंक देंगे, आप उसे टीम INDIA का सदस्य रखिएगा या नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात रखिएगा या नहीं, हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है। अरे आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके INDIA के सदस्यों का रंग दिखा रहा हूं, बात ही नहीं करते हैं, आपके INDIA के सदस्यों को रंग दिखा रहा हूं ना, किस तरह के सदस्य हैं INDIA में, किस तरह के सदस्य हैं? मणिपुर पर ही रहते हैं राधिका खेड़ा जी, अब चूंकि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जो रुख है और जिस अग्रेसिव तरीके से वो आगे बढ़ी है, इस मामले में पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने क्या किया मणिपुर के मामले में, 750 लोगों की जान जाती है, उस वक्त के तत्कालीन गृहमंत्री नहीं पहुंचते हैं, गृह राज्य मंत्री 3 घंटे के लिए जाते हैं, सदन में संक्षिप्त में ब्यौरा रख दिया जाता है, कोई चर्चा नहीं होती है, तो फिर किस स्थिति से आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है पूरे मामले पर? राधिका जी, चित्रा जी मोदी जी और उनके प्रवक्ता और उनके सारे नेता, रविशंकर प्रसाद जी हो चाहे कोई हो, लगता है हमारा सनातन धर्म का इतिहास भूल गए हैं, इसलिए आज आपके माध्यम से आपके चैनल से उनको याद दिला दूं। बहुत बहुत समय पहले एक स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा था और कौरव और धृतराष्ट्र मुख दर्शक बने हुए थे और देख रहे थे और उसमें उनका हाथ भी था। नतीजा क्या हुआ था? नतीजा ये हुआ था जिन लोगों ने वो कार्य किया और जो लोग चुप बैठे उनको सबको जघन्य दंड भुगतना पड़ा। मैं अभी भी कह रही हूँ ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ती बहुत जोर से, अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लीजिए। मणिपुर जल रहा है और आज तक जल रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सामने आता है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने महीनों में सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर के लिए निकाल पाए। बहुत आसान होता है बार बार बोल देना कांग्रेस ने ये नहीं किया, इस पार्टी ने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया। यही रविशंकर प्रसाद जी हैं जिनका आपने अभी बाइट सुनाया था, कुछ समय पहले उन्होंने आके बताया था पूरे देश को मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम करा दिया था। जो प्रधानमंत्री दूसरे देशों के बीच युद्ध में, इतने बड़े युद्ध में जहां पे कोई भी देश, पूरा विश्व मिलके नहीं रुकवा पा रहा था, हमारे मोदी जी अगर युद्ध विराम करवा सकते हैं तो मणिपुर में आगजनी रोकने से उनको क्या चीज रोक रही है? और क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं जाते? वहां की बेटियां हमारी बेटियां नहीं है क्या? वहां पे जब फोटो खिंचवानी होती है लोगों के साथ तो पहुंच जाते हैं, वहां जाके उन बेटियों के आंसू नहीं पहुंच सकते, पूछ नहीं सकते अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार से कि क्या दिक्कत है? जब वो SPG जाती ना चित्रा जी, तो एक तरीके से क्या सिक्योरिटी हो जाती वहां पे जब प्रधानमंत्री जाते? प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जा रहे? क्या वो सिर्फ US की कांग्रेस को संबोधित करने के लिए है? क्या वो सिर्फ UAE में जाके अपने लिए तालियां बजवाने के लिए है? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि मणिपुर जल रहा है तो मैं वहां जाऊं? पूरा विश्व घूम लेते हैं लेकिन कुछ किलोमीटर नहीं जा सकते अपने ही देश में मणिपुर में। और एक बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहूंगी, बार बार बोला जा रहा है, इतनी चीजें कही जा रही है, इनके खुद के MLA BJP के होकोई साहब, उन्होंने तो खुद बोल दिया हम प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं और समय नहीं मिल रहा। और अजय आलोक जी, ना सिर्फ आपकी डिबेट में, कई डिबेट में बार बार कभी मुझ पे, कभी इंडिया के बाकी साथियों पे एक सवाल दागते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग ने ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने यह नारे हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चीज हुई, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं पर यहां पे मेरे पास उनका लेटर है जिसमें उन्होंने क्लियरली से बोल दिया है, वी विश टू क्लैरिफाई दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन हैज ऑलरेडी बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, वी डू नॉट कंडोन सच बिहेवियर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने तो इमीडिएट एक्शन ले लिया। आप लोग तो अभी भी सो रहे हैं, 4 महीने में 36 सेकंड से ज्यादा प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं दे पाए। बाकी मेहमानों के पास जाऊं, अजय आलोक जी जल्दी से उनके गंभीर आरोपों पर जवाब। एक मिनट उन्होंने बोला,
एक मिनट में 9 बार प्रधानमंत्री मोदी मैं गिन रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस हो गई है प्रधानमंत्री मोदी का नाम जपने की। दूसरी बात, हमारे एमएलए ने बोला हमारे एमएलए को टाइम नहीं मिला, हमारे एमएलए ने ये भाषण, अरे आपके तो पूर्व मंत्री और वर्तमान के एमएलए ने जाके विधानसभा भवन के पटल पे लाल डायरी दिखाई स्पीकर को कि मैं इसे जमा करना चाहता हूं सदन के टॉप पे। नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि हमने अपने एमएलए के कहने पे एक्शन क्यों नहीं लिया, इनके एमएलए ने तो विधानसभा के पटल पे डायरी पर अभी बहस नहीं होगी, मणिपुर पर चर्चा हो रही है, मणिपुर पर जवाब, मैं मणिपुर पे ही जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कही कि मैं बहुत जोर से लाठी पड़ेगी, दुर्योधन और दुशोषण पे बैठ के देख रहा था 1993 की लाठी खा के, इसीलिए ना 9 साल से अभी सत्ता के बाहर है। आपके कुकर्मों की लाठी मिली थी कि 2014 में भी हारे, 19 में भी हारे और 24 में भी हारिएगा, ये कुकर्मों की लाठी है। ठीक कहा, जोर से पड़ती है आवाज नहीं आती। मैं मानू की बात जल्दी से, 1993 तो आपको याद दिलाया जाएगा ना, कांग्रेस पार्टी अगर उस समय सही तरीके से हल कर पाती तो आज आप एग्जांपल दे पाती बीजेपी के सामने कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, आप उसको फॉलो करें। बट आपका इतिहास भी तो ऐसा ही रहा है, 9 महीनों तक मणिपुर सुलगता रहा था 1993 में। मैं समझ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता बार बार लाल डायरी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर से चर्चा से भागना चाहते हैं। मैं फिर बोलूंगी, आपके ही बीजेपी के एमएलए ने प्रधानमंत्री से समय माना है और कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए ताकि हम आपको वहां के हालातों से अवगत करा सके। प्रधानमंत्री अपने खुद के विधायकों से मिलना नहीं चाह रहे, आपकी खुद की गवर्नर साहिबा जिनको आपने ही वहां पे गवर्नर बनाया है, उन्होंने खुद मीडिया को आके इंटरव्यू देके बताया है कि मैं इन बातों को बार बार दिल्ली भेज चुकी हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आता चित्रा जी कि क्या प्रधानमंत्री जी को रोक रहा है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा रहा, क्यों वहां के मुख्यमंत्री को बदला नहीं जा रहा। ये इतने जब हादसे बार बार हो रहे हैं तो इंतजार किस चीज का हो रहा है? मोदी जी है, फिर बोलोगे यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं तो यहाँ अपने मुख्यमंत्री का रास्ता क्या होगा? इस सवाल का जवाब बाकी मेहमानों से भी लेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन घनश्याम तिवारी जी आपके पास 30 सेकंड में 5 घनश्याम तिवारी जी आपके पास आते हुए, अब अखिलेश यादव जी की ओर से अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया गया है, वो कहते हैं कि सरकार ने ही प्रायोजित हिंसा वहां पर करवाई है। इस तरह का बयान बड़े नेताओं की ओर से दिया जाएगा, वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, हालात खराब हैं, आपको लग रहा है कि मौजूदा स्थिति इस तरह की सियासत की इजाजत देता है? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को, लगभग एक साल पहले 21 जनवरी 2002 उसके बाद 23 फरवरी 2022 प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर में आप भारतीय जनता पार्टी को चुनिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के 25 साल का की रणनीति बना रही है, कैसे मणिपुर शांत रहेगा, वहां विकास होगा। ये प्रधानमंत्री जो चुनाव में वोट मांगने के लिए मणिपुर की जनता के पास जा सकते हैं, वो पिछले 3 महीने में 36 सेकंड केवल मणिपुर के क्या नाम लेते हैं, जब वो 3 महाद्वीप 8 से 10 देश 8 से 10 राज्य चुनाव की रैली कीर्तन भाषण न जाने किस किस तरह के कार्यक्रमों में रहे हैं, उपलब्ध रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अखिलेश जी ने जो कहा है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है कि मुख्यमंत्री आरोपी हैं, उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, अभी तक निष्कासित नहीं हुआ। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, राज्यपाल कहती है कि मैं पावरलेस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कारगिल का योद्धा कहता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं देश को बचा सका लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। मुख्यमंत्री इंडिया टुडे पे आकर के कहता है बेशर्मी से कि अरे आप एक ही केस को लेकर के इतनी आंदोलित हो रही हैं, देश आंदोलित हो रहा है, ऐसे सैकड़ों केस हैं। समूचा मणिपुर जल रहा है 3 महीने से, और आज की खबर क्या बताती है कि देश के गृह मंत्री को चुनाव का प्रभार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि किसी भी राज्य को इस तरीके से फूंक दो, उसके बाद तमाशा देखो। जिस देश में प्रधानमंत्री के पास इतना प्रचंड बहुमत हो, वो उस देश का प्रधानमंत्री अगर संसद में जाकर के अपनी बात नहीं रख सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं कि कोई 2 बिल बता दीजिए जहां पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया हो, या जो आप जानते हो। इस समय जब नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आप बिल धड़ाधड़ पास किए जा रहे हैं जिसे आपके सहयोगियों को, बिजनेसमैन को फायदा हो, आप क्यों पास कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से राज्यसभा में बहस हो सकती, बिल पास होते, तो क्या उससे देश का भला नहीं होता? मैं पूछता हूं कि देश में ऐसा, या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कौन सा एक मौका आया जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के बावजूद संसद में आकर के 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है? ये शर्मनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है, मणिपुर की बेटियों के लिए भी शर्मनाक है, और देश की बेटियों के लिए भी शर्मनाक है। और जो भारतीय जनता पार्टी उसी को राजस्थान से जोड़ती थी, कहीं और से जोड़ देती है, जिस देश में लगभग 100 रेप प्रतिदिन होते हों, 1000 महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हों, एक ऐसा दिन नहीं है किसी राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर अपराध न होते हों, वहां पर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जो मणिपुर में हो रहा है वो बाकी राज्यों में हो रहा है, ये तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने
का सवाल है। जिम्मेदारियों से भागिए मत, जनता आपको हटा देगी, भगा देगी, लेकिन इस समय जिम्मेदारियां निभाइए। अजय आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, माधव आनंद जी आपके पास भी, लेकिन कीर्ति आजाद जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, 7 या 8 अगस्त की तारीख को मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस की ओर से बयान आया है, मैं पढ़ देती हूं। उनकी ओर से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से देश को आखिर कैसे मदद मिलेगी, मणिपुर और दो पड़ोसियों से बिगड़े रिश्तों के बीच सरकार को कमजोर करने की ये जो कोशिश और साजिश है यह कतई ठीक नहीं है। तो इस तरह की आवाजें जो गैर बीजेपी दूसरे दल हैं जो एनडीए में शामिल नहीं है उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब आप लोगों का एक बड़ा डेलीगेशन वहां पर जाएगा। आपको लग रहा है कि इसके जरिए रास्ता निकल जाएगा, शांति बहाली हो जाएगी मणिपुर में? प्रश्न मुझसे है क्या? जी कीर्ति जी, आपसे ही है। हाँ क्यों नहीं, एक सांकेतिक तो अवश्य आदमी दिखा सकता है कि वो क्या कर सकते हैं। डेलीगेशन जाएगी, करना तो सरकार को ही होता है, और आपने खुद ही बताया दो तीन चीजें सामने आई कि नित्यानंद राय जी 25 मई से 17 जून तक रहे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई खबर नहीं आई। उनको कुछ पता नहीं लग सका कि 3 मई से किस प्रकार से वहां पे हत्याएं हो रही हैं, वहां बलात्कार हो रहे हैं, क्या परिस्थिति दिन पर दिन बदलती चली जा रही है, इसके बारे में नित्यानंद राय जी ने कुछ नहीं बताया। अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी का आपके इस पर स्टेटमेंट सुन रहा था कि ये जाएंगे तो रायता फैलाएंगे। यह है इनकी मानसिकता, ये इसी मानसिकता पे रह सकते और नहीं रह सकते, और आगे कुछ नहीं कर सकते। 90 दिनों से जो रायता फैल रहा है वहां, इनके नित्यानंद राय जा चुके हैं कुछ नहीं कर पाए, अमित शाह जा चुके हैं गृह मंत्री वो कुछ नहीं कर पाए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड और 3 लाइनों की बात की। दूसरे मेरे छोटे भाई आलोक बैठे हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, कहते हैं देखो एक मिनट में इन्होंने 9 बार प्रधानमंत्री का नाम ले लिया। क्या प्रधानमंत्री का नाम लेना वर्जित है? क्या प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया जा सकता? क्या 267 में यदि उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि वो बोले, क्या मणिपुर भारत का अंग नहीं है? क्या क्या मणिपुर में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री केवल सदन के बाहर बोलेंगे, सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या? क्या ये 267 में नियम लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? वो बोल ही नहीं सकते, दूसरा बोलेगा केवल जो संबंधित मंत्रालय का आदमी हो। और राजनीति करते हैं, अरे भैया राजनीति, जिसका राज्य उसकी नीति की आलोचना करना जो उस समय सत्ता में नहीं विपक्ष में है वो उसका अधिकार है, और वह उसकी आलोचना करेगा। यदि 3-3 महीने तक आप इस प्रकार से आबरू लुटने देंगे, आप प्रदेश को जलने देंगे, आप जिस प्रकार की वहां परिस्थिति बनी हुई है और नीरो की तरह चुप रहेंगे, रोम जलता रहा और नीरो सोता रहा वाली परिस्थिति बनी रहेगी, तो फिर आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? 16 जुलाई के बाद से अच्छी खबर यह है कि वहां पर जो हिंसा हो रही है किसी की मौत नहीं हुई है, क्या इसके लिए उपलब्धि इनको दे सकते हैं? क्या ये माना जा सकता है कि कम से कम अब इतने देर के बाद ही सही, हालांकि 150 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन 16 जुलाई के बाद बीते 10-12 दिनों से वहां पर स्थिति ठीक है? कीर्ति आजाद जी, किसी की जान नहीं गई है? जान नहीं गई, लेकिन जल तो रहा है आज परिस्थिति, लोग आज भी डरे हुए हैं ना। कैंपों में हमारी बेटियों ने 32 बच्चों को जन्म दे दिया कैंपों के अंदर, और उनकी जो परिस्थिति बनी हुई है, जो नेशनल हाईवे और दूसरी जगह बंद पड़ी हुई है, उसको लेकर जो उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए क्या वो मिल रहा है? क्या इस चीज को जानने का किसी ने प्रयास किया है? तो अब आप लोग जा रहे हैं, आप लोग बताया था बीच में राहुल गांधी गए थे, उम्मीद थी कि कुछ इस तरह की बातें सामने आएंगी, लेकिन उस समय भी इस तरह की बातें तो नहीं सामने आई थी ना कीर्ति आजाद जी? अभी इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं पौष्टिक आहार या बाकी चीजें, लेकिन अभी हिंसा पर ही रहते हैं। कम से कम बीते 10-12 दिनों में अगर किसी की जान नहीं गई है तो ये क्या माना जा सकता है कि मणिपुर में धीरे धीरे ही सही लेकिन हालात अब सामान्य होने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्या इस बात को समझा जा सकता है? क्या यदि अभी लोगों की मारे जो नहीं गए हैं, क्या उसके कहने से मुताबिक की बहुत अच्छी स्थिति हो रही है? क्या अभी तक लोगों के बीच में तनाव है या नहीं है? नहीं मारे जा रहे हैं यह तो अच्छी बात है, लेकिन जो 150 लोगों से ज्यादा मर गए और 60,000 लोग विस्थापित हो गए, क्या उनको उनकी स्थिति वापस पुरानी मिल सकेगी? ठीक है, एक बीजेपी तो 93 से तुलना कर रही है ना कि 9 महीने लंबा नहीं खींचा कम से कम शांति वहां पर लेकर आने में, बताइए जालो जी, लेकिन इसका श्रेय वो कह रहे हैं कि हिंसा तो अभी भी हो रही है, आपसे कैसे जला दिया गया? देखिए कि निश्चित तौर पे तनाव है, इसमें मैं कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, इसीलिए लगातार गृहमंत्री जी दोनों समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हर लेवल पे हर स्तर पे चल रहा है। मुझे बस ये बताइए, इतनी देर की आपकी डिबेट हो गई ऑलमोस्ट 26 मिनट की, अभी ऑपोजिशन के सो कॉल्ड INDIA के इतने लोग बैठे हुए हैं,
एक भी कंक्रीट सजेशन पिछले छह दिन में जब से सदन चल रहा है 20 तारीख से, एक भी सजेशन किसी ने दिया कि कैसे सॉल्व करना है? कांग्रेस तो सत्ता में आ चुकी है, एक बार भी सजेस्ट किया कि कैसे सॉल्व करना है? कीर्ति भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जरा बताएं कीर्ति भाई, राहुल गांधी गए सिर्फ कुकी लोग से मिलकर आगे उससे सोल्यूशन निकल जाएगा? और दूसरी बात कि कीर्ति जी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2-3-4 बार रह चुके हैं, उनको पता है कि 267 में अगर चर्चा होगी तो उसी डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा, प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देगा। मिलकर आए अब एक लोग मैतेई से, नहीं नहीं हम लोग मैतेई से नहीं, क्यों नहीं मिलकर? ये गलत मैसेज है, सरकार वहां कुकी मैतेई दोनों से बात कर रही है, नगा से भी बात कर रही है, हर लोग को हम लोग लेके चल रहे हैं, इंक्लूसिव लेके चल रहे हैं हम। एक यही तो दिक्कत है मणिपुर या पूरे नॉर्थ ईस्ट के तरफ कांग्रेस की पॉलिसी जो रही नेहरू जी के समय से, परसेप्शन बन रहा है आप लोगों को लेकर, हम लोग को लेके नहीं, ये लोग परसेप्शन अपनी तरफ से बना चुके हैं भाई। नॉर्थ ईस्ट को लेके इनकी पॉलिसी थी, आइसोलेट कन्वर्ट लास्ट एंड लीस्ट। मोदी जी जब से आए हैं पॉलिसी हुई है लुक एट ईस्ट फर्स्ट एंड फास्ट, हमारी ये पॉलिसी आप देखिए, नागालैंड प्रॉब्लम सॉल्व, असम प्रॉब्लम सॉल्व, मिजोरम प्रॉब्लम सॉल्व, मणिपुर प्रॉब्लम भी सॉल्व होने के लगभग कगार पे था, तभी हम दूसरी बार बीजेपी की सरकार वहां चुन के आई वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, 10-10 कुकी विधायक है हमारे। आज वो जो सेंटिमेंट भड़का है, वो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे कि उसमें और आग डालेंगे? ये लोग तो पेट्रोल डालने का काम करने के लिए आपको विपक्षी दलों को भरोसे में लेना होगा या फिर नहीं लेना होगा? माधव आनंद जी, एक बार उनकी टिप्पणी लेती हूँ, देखिए इस वक्त बोल लीजिए, दो लाइन में बोल लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अजय आलोक जी ये बाहर बता रहे हैं कि सबसे बात हो रही है, यही बात तो पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि इनके मंत्री आकर के बोलें। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, मुझे ध्यान है जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था और नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए थे, तो मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, उन्होंने आकर के अपनी ओर से वक्तव्य दिया था, उसके बाद जवाब बेशक जो संबंधित मंत्री थे विभाग के उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसमें मनमोहन सिंह जी ने आके एक बार नहीं 3-3 बार हमने किया था उसमें उन्होंने जवाब दिया था। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था जवाब जब अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया था, आपको ध्यान होगा जब वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे और वो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था सबको याद है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, 27-28 बार आ चुका है अलग-अलग सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, सबसे ज्यादा तो इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार आए हैं, लेकिन क्या हुआ 15 बार में से एक भी बार विपक्षी दल कामयाब नहीं हो पाए थे। तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सिर्फ ताकत दिखाने की, माधव आनंद जी अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, सॉल्यूशन क्या है? और आपको लग रहा है विपक्षी दल जब मणिपुर पहुंचेंगे तो कम से कम एक समाधान के जरिए मणिपुर का यह हिस्सा आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा, पहल कोई भी करे? कौन सा विपक्षी दल, कौन सी विपक्षी एकता? निश्चित रूप से फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आएंगे मीडिया के सामने पेश होंगे, उनको सॉल्यूशन नहीं देना है। वीडियो बनाने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वीडियो बनाने जा रहे हैं, फोटो शूट होगा चित्रा जी, आपके चैनल पे ही फोटो आएगा कि देखिए सारे जितने विपक्ष की पार्टियां के लोग हैं सब लोग वहां गए हैं। और महुआ जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कांग्रेस पे तुष्टीकरण की नीति जैसे हमेशा से जैसे आरोप साबित हो चुकी है, उन्होंने कहा कि इस बार जो विपक्षी दल के नेता जाएंगे दोनों कैंप में जाएंगे, यानी कुकी में भी जाएंगे और मैटी में भी जाएंगे। उन्होंने आज साबित कर दिया कि हाँ कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही है। अब जहां तक बात है, देखिए मणिपुर के सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सरकार गंभीर है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वहां की स्थिति सामान्य हो जाए। और आपने ही कहा कि 16 जुलाई के बाद घटनाएं घटित नहीं हुई है, तो यह दिखा रहा है कि सरकार जान नहीं गई है कि सरकार जो मेहनत की है, सरकार ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास का जैसा नतीजा भी आपके सामने आ रहा है। और विपक्ष के लोग अगर गंभीर होते, अगर चर्चा करते सदन में तो अच्छा होता, पूरे देश की जनता जैसे सुनती कि विपक्ष के लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और सरकार भी अपना पक्ष रखने का काम करती कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और किन कारणों से इस तरह के हिंसक झड़प हुए हैं। पूरा मणिपुर का इतिहास सबको पता है, मुझे लगता है पूरे विपक्ष के लोग अल्जाइमर रोग से परेशान है, अल्जाइमर रोग से पूरे विपक्ष के नेता लोग परेशान है। 1993 की तुलना 2023 से कर मान लगा लीजिए, सर कब तक आप इतिहास बताते रहेंगे? वर्तमान में मणिपुर की हालत खराब है, तो वर्तमान पर अब इतिहास लेकर मैं भी बैठी हूँ, मैं भी पूरा रिसर्च करके आ रही हूँ, पढ़ के आ रही हूँ, लेकिन इतिहास का एग्जाम्पल नहीं देना है ना, वर्तमान में जो हिंसा है उसको रोके जाने की जरूरत है। लगातार सरकार उस पर काम कर रही है, स्थिति जो है नाजुक अभी कंट्रोल में है, मैं कह सकता हूं नाजुक जो भी कहीं कंट्रोल में है, और आने वाले वक्त में आपको और भी नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे। और सरकार गंभीर है, सरकार चाहती है इस पे चर्चा हो, देश पूरा जानना चाहता है, और एनडीए की सरकार हमारे जितने घटक दल हैं सब लोग चाहते हैं इस पे चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चर्चा होगी तो वेस्ट बंगाल की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, राजस्थान की चर्चा होगी। इस पर बोलना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया वहां वीडियो बनाने के लिए जा रही है, तो क्या
महिलाओं पर अत्याचार, इतनी बड़े बड़े अत्याचार हुए, उसमें यहाँ पर जो महिला और बाल विकास मंत्री है, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था? जब वो छोटे छोटे मुद्दों पर अपना बयान जारी करती हैं, इतनी इतनी बातें करती हैं, वो वायरल होता है, तो वहां एक बार क्या उनको देखने गई थी, या उनकी संवेदना में उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया था? नेशनल वुमेन्स कमीशन क्या कर रहा है? क्या उनकी टीम को वहां नहीं जाना चाहिए था? जब ये लोग नहीं गए तो हम टीम इंडिया के लोग वहां जा रहे हैं, उनसे अपनी हमदर्दी जताएंगे। और दूसरी बात, आपने अजय भाई ने ये भी कहा कि क्यों नहीं सलाह देती है सरकार को, सलाह दे तब तो जब एलओपी को बोलने दिया जाए। जब हमारी विपक्ष के जितने भी लोग थे, जब भी बोलने के लिए उठ रहे हैं, मणिपुर शब्द मुंह से जब जैसे ही निकलता था माइक बंद कर दिया जाता था, एलओपी खड़े होते थे तो उस सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार उन पर हमले हो रहे थे, इतना ज्यादा नारेबाजी हो रहा था कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, और अगर बोल भी रहे थे तो माइक तुरंत ऑफ कर दिया जा रहा था। हर दिन की ये कहानी है, तो सलाह देंगे तो कैसे देंगे? सॉल्यूशन क्या है आप बताइए ना, सॉल्यूशन क्या है? समाधान की बात कर लेते हैं, दो लाइन में बताइए क्या है समाधान। घनश्याम जी आदमी आपके पास, एक बार बताइए महुआ जी, क्या है समाधान? समाधान से वहां पर हिंसा थम जाए। समाधान यही है कि दोनों पक्षों को से बात की जाए, उनकी समस्या को समझा सरकार जाए। सरकार बातचीत कर रही है, निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया गया है कि बातचीत हमें बात इतिहास पता चला है, उससे लगा है कि पहाड़ों पर बने कुछ घर समुदाय के कहा जाए। अजय आलोक जी की पार्लियामेंट में आकर सरकार क्यों नहीं बता रही है मैं बातचीत चल रही है या फिर नहीं चल रही है? भाई 20 तारीख से बोल रहे हैं चर्चा कर लो चर्चा कर लो चर्चा कर लो, तो भाग जाते हैं गुरीला छाप की तरह नाला दे देके। इससे चर्चा करे, रहिएगा पार्लियामेंट में, सदन में रहिएगा, तब ना चर्चा होगी। उसके बाद हर एक नया प्रधानमंत्री जवाब दो, बोलने नहीं पता नहीं आपको क्या चाहिए हो रहा था, पता पता ही नहीं है करना क्या होगा। वीडियो निकाल कर देख लीजिए, ये लोग मोदी फोबिया से ग्रसित है, मोदी फोबिया से ग्रसित लोग हैं, हमेशा मोदी 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 मोदी। लेकिन अच्छी बात है, आलोक भाई ने सही कहा, मोदी जी का नाम लेते रहिए, आप लोग दीर्घायु हो जाएंगे। इंडिया की लड़ाई चल रही है तो मोदी जी का नाम नहीं, मोदी जी का नाम आप लीजिए हमेशा। हर सरकार पूरा जवाब देने के लिए तैयार है, सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है, सरकार जो कंसर्न मिनिस्टर है वो जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी वक्तव्य दे दिया, और प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे ऐसा क्यों मानते हैं लोग? आप चर्चा तो स्टार्ट करवाइए, प्रधानमंत्री जी सदन में हर बार बोले हैं, और निश्चित रूप से पूरा दबाव काम करेंगे नहीं। देखिए उनको भी देश ने दो बार इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो यकीनन उन लोगों की अपनी कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है। आपको लग रहा है कि विपक्षी दल हंगामा करेंगे तो दबाव में आकर पीएम आ जाएंगे भाषण देने के लिए? तीन बातें, ऐसा तो नहीं होगा। तीन बातें महत्वपूर्ण है, पहले तो ये कहना कि वहां सब ठीक है, ये आज का अखबार है, आज का अखबार कहता है कल ही वहां पे 15-16 घर जलाए गए हैं और उसके अलावा बम फेंके गए हैं। तो पहली बात जो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त होकर कह रही है सब ठीक हो गया, ये सरासर झूठ है। दूसरी बात ये कहना कि वहां कोई सोल्यूशन नहीं, जो वहां का मुख्य विपक्षी दल है ये भी इतने आश्वस्त होकर, क्योंकि लोग अब जानकारी नहीं देना चाहते लोगों को, वहां का मुख्य विपक्षी दल वहीं के राज्यपाल के जो पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता रह चुकी है उनसे लगातार निवेदन कर रहा है कि वहां की असेंबली का एक इमरजेंसी सेशन बुलाना चाहिए, जहां पर मुख्यमंत्री की कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। जो मुख्य वहां पे मिलिटेंट है उसके साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उसके साथ उनको जोड़ के देखा जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी डिनाई नहीं करती, मुख्यमंत्री डिनाई नहीं करते। तो जहां पर समूचे वहां का बीजेपी कह रहा है कि आप जुड़े हुए हैं इससे, तो सवाल यह कि मुख्यमंत्री जो है वो इस उपद्रव में शामिल है नहीं शामिल है, क्या नैतिक आधार है? जो गवर्नर है वो हेल्पलेस है, और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, यहां पर कोई बता दे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस साल संसद में कितनी बार बोला है? जिस प्रधानमंत्री ने पिछली सत्र में ताला लगा दिया क्योंकि उन्हें अडानी के बारे में ना बोलना पड़े, वो प्रधानमंत्री आज भी डरा हुआ है। एक अरे अकेला आपके पास भारी, एक अकेला सब पे भारी, भूल गए डायलॉग, डायलॉग भूल गए, एक अकेला सब पे भारी, इस साल देश में कितनी बार बोला है? लेकिन नारे मत लगाइए, इस साल देश में कितनी बार बोला है वो भूल गए क्या डायलॉग? एक अकेला सब पे भारी, नारे मत लगाइए, हर प्रधानमंत्री के भाषण में आप डिस्टर्ब करते रहे, ये नारे पूरे राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान डिस्टर्ब करते रहे, नाराज करते हैं कि एक अकेला सब पे भारी कहते हैं प्रधानमंत्री, और अभी बोलते हैं प्रधानमंत्री ने बुलाया नहीं, प्रधानमंत्री संसद में जाकर बात नहीं रख सकता, प्रधानमंत्री कैसे रहेगा? क्या देश का भाई, क्या देश का प्रधानमंत्री केवल टीवी पे छपने के लिए है? क्या बीजेपी गलत ये दर्शकों का अपमान है, ये दर्शकों का अपमान है। मुख्य बात आपका हर दर्शक चाहता है देश के प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ बोले, देश का प्रधानमंत्री मर्यादाहीन है, नीतिहीन है, नैतिकताहीन है, है या फिर पावरलेस है? क्या कारण है झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री? क्या है पावरलेस, स्पाइनलेस, इज ही शेमलेस, व्हाट इज द रीजन? दवाई खाने की जरूरत है कि देश दवाई खाइए, लेकिन प्रधानमंत्री टीवी पे बोल सकते हैं अगर हिम्मत
सकते हैं, सदन में आके चर्चा कीजिए, इनके इनके सांसदों से बोल सकते हैं, हिम्मत है तो सदन में आके बोलेंगे, न सदन में बोलेंगे। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो प्रचार करने के लिए शांति उपलब्ध है? मणिपुर में शांति आए, प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए ना। राधिका खेड़ा जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? राहुल गांधी भी गए थे वहां पर, लोगों से मुलाकात भी की। चित्रा जी, यहाँ पे कैसे निकलेगा? यहाँ पे बीजेपी और उनके साथ ही बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी बोल लिए, मोदी जी बोलिए। मोदी जी ने क्या बोला मणिपुर की? आपने की तुलना किससे करी? राजस्थान और छत्तीसगढ़ से? ये मणिपुर में हो रही इतनी बड़ी हिंसा को इतना सा करके दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ना राजस्थान में ना छत्तीसगढ़ में पुलिस स्टेशन से AK-47 छीनी जा रही है, ना वहां की महिलाओं को निर्वस्त करके ऐसे सड़क पे चलाया जा रहा है, ना वहां के एमएलए बीजेपी के एमएलओ के घर जलाए जा रहे हैं, ना आगजनी हो रही है, ना लोगों को मारा जा रहा है। तो इतनी बड़ी हिंसा को, इतनी बड़ी चीज को बहुत छोटा सा करके, जहां पे कुछ नहीं हो रहा जिन राज्यों में, उन राज्यों से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये मणिपुर में हो रही हिंसा का अपमान किया गया। और मैं ये बार बार हैरान हो रही हूँ जो ये बोलते हैं, और आप लोग भी बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस बताएं, इंडिया बताए कि क्या। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, थोड़ी तमीज रखिए। बहुत चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली आज तक, पे मुझे नहीं लगता शाउटिंग मैच की जरूरत है। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। रही बात, ये बार बार बोला जाता है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सारे नेता और एमएलए तोड़ तोड़ के वहां सरकार बना रही थी? जो लोग इस चीज के जिम्मेदार है उन्हीं को लेकर जा रहे हो। और दूसरी बात, बार बार हमसे सोल्यूशन मांगा जाता है। अरे प्रधानमंत्री जी तो गटर से गैस बना लेते हैं, प्रधानमंत्री जी तो क्लाउड से रडार को बेवकूफ बना देते हैं, उनको हमसे सोल्यूशन चाहिए? और मैं सिंपल सी बात कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे क्या चीज रोक रही है जो विपक्षी इंडिया अगर मणिपुर जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? क्या वो सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं जा रहा है? वो किस लिए जा रहा है वहां पर? वो जा रहा है उन लोगों के आंसू पहुंचने के लिए, किसी के घर में कुछ तकलीफ होती है उनके आंसू पहुंचने के लिए, दर्द जानने के लिए नहीं, वहां के लोगों का दर्द जानने के लिए, उनके आंसू पहुंचने के लिए। देखे थे आपने वो वीडियो? 3 मई से हिंसा हो रही है, ये आप लोगों का काम है। मई हो गया, जुलाई, और अब अगर जाएगा विपक्ष इंडिया तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा? नहीं, मोदी जी की तरह, मोदी जी के बारे में मत बताइए, वो उनका काम है। देखा है ना नड्डा साहब कैसे रास्ता दे देते, जैसे ही कैमरा आता है मोदी जी का चेहरा जाना छुप जाए। वो आप लोगों का काम है, ये इंडिया और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। मुद्दा यही है, सॉल्यूशन क्या है? एक लाइन में बताइए राधिका खेड़ा जी, सॉल्यूशन क्या है? राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए क्या सॉल्यूशन है, समाधान क्या है? राधिका खेड़ा जी, कैसे निकलेगा समाधान? अगर सोल्यूशन हमसे चाहिए, अगर सोल्यूशन हमसे तो चाहिए, जा रही तो वहां से सरकार के लोग जा रहे हैं, वहां सरकार तो सम्मेलन मणिपुर के लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्यों बीच में आप चिल्लाते हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है? आने वाले दिनों में और स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी, नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। मावा माझी जी, कोई सोल्यूशन है, कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है, जिसको लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने सुना था कि कुछ घर तोड़े गए थे और उसके बाद उनको लगा, और ये तमाम बातें हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना जरूरी है। शांति समिति एक बनानी चाहिए। राहुल गांधी भी गए थे। दूसरी बात कि वहां पर इंटरनेट अभी तक नहीं है, इंटरनेट सेवा, तो जब ये लोग बार बार तुलना कर रहे हैं राजस्थान के साथ, बंगाल के साथ, तो वहां तो इंटरनेट सेवा बंद नहीं की गई, इसका मतलब वहां शांति है। जहां अशांति है वहां हमारा जाना जरूरी है, ताकि जाकर सब कुछ ठीक हो। और जब तक जैसे होता ही है, आपने यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन देख लिया, मुझे कुछ नहीं कहना, आपके दर्शक कॉन्ट्रडिक्शन देखे। कांग्रेस कहती है कि सोल्यूशन हमसे मांग रहे हैं, हम क्यों सोल्यूशन दें? ए महुआ जी कह रही है कि नहीं, हम सोल्यूशन जाके देंगे, जो भी देखेंगे, जो भी सरकार को कहेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन तो INDIA में ही है, इन लोगों को पता ही नहीं है मणिपुर इनके लिए पॉलिटिकल टूल बन गया। बिल्कुल, संवेदना मर गई है, वहां पर इनकी संवेदना मर चुकी है, और घनश्याम जी के पार्टी के नेता कर रहे हैं कि सरकार नहीं करवाया। वक्त देने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, उसको ये समझना होगा मणिपुर एक संवेदनशील और गंभीर मामला है। उस पर इस तरह की खाली सियासत को पीछे छोड़ें, और कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक आवाज मणिपुर तक और पूरे देश तक जानी चाहिए। अब विपक्षी दल जब मणिपुर पहुंचेंगे तो फिर वहां से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, समाधान किस ओर जाएगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल मेसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।